नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। एनपीसीएल नरोरा के एग्जाम होने हैं, उसके लिए मिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, जिसका चौथा पार्ट आज रहने वाला है। आपकी कौन सा नंबर रहने वाला है तो आप देख लीजिए। चौथा आज आपका पार्ट रहेगा, जिसमें प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आईटीआई आधारित किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले से यदि नहीं देख रहे हैं तो एनपीसीएल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेज को भी आप जरूर अटेंड कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक क्लास को लाइक कर दिया होगा, इससे पहले वाली क्लासेज भी देख ली होगी और राउत बाटा साइट के पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, आप उनको भी जरूर देखिए। एनपीसीएल का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सभी साइट का कॉमन होता है, तो आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से, यानी कि आप इंग्लिश में इसका नाम देख सकते हैं, हाफ ऑफ व्हाट आई से, इसके लेखक कौन है। ये इंग्लिश में आपके सामने नाम लिखा हुआ है, इसके लेखक आपसे पूछे कि कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, अनिल मेनन, तो यही इसके लेखक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप जरूर याद कर लीजिए, अनिल मेनन हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शशि थरूर, इसकी कौन सी कृति है। तो द, मैं आपके लिख सकता हूं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक कौन है। यदि आपसे पूछे, मैं एक बार सही से लिख दूं, ये देखिए इसके लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है, ये आप जरूर याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आप इन सभी पुस्तकों के लेखक जरूर याद कीजिए, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर मैंने एक क्लास दी हुई है, आप उस क्लास को जरूर देख लीजिए, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ पूरी तरह से डिजाइन की हुई है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, मैं आपको क्लास से पहले ही अपलोड करके दे देता हूँ पीडीएफ, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में, मैंने किस चीज को कहाँ लिखा है, वो आपको क्लास से समझ आएगा, क्योंकि पीडीएफ में कुछ मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, तो आपको क्लास से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए आगे है आपकी, पीर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है। अब देखिए कल ही एक एग्जाम हुआ था, कल क्या परसों, और कल मैंने सॉल्यूशन करवाया है, उस एग्जाम का नाम था BRO, आई होप आपने भी एग्जाम दिया होगा। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपके रोहतांग दर्रा है, उसका नाम बदलकर किस प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया है। तो रोहतांग दर्रा मैंने पहले करवा रखा है कि रोहतांग दर्रा आपकी, उसका नया नाम हो चुका है अटल सुरंग, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हुआ है। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन पूछ लिया, पीर पंजाल रेलवे स्टेशन या रेलवे सुरंग कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आपको ये भी जरूर याद कर लेना है, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन दे रखा है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, तो वो है आपकी सोडियम। धातुएं वैसे तो होती है कठोर, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है इसे चाकू से भी आप काट सकते हैं, चाकू से काटी जाती है या फिर काट सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने पर आप कह सकते हैं कि वो सोडियम धातु है। सोडियम आपके धातु जितनी भी होती है, लोहा और ये सारी कठोर होती है, इसे आप चाकू से काट नहीं सकते, लेकिन एक ही धातु है जो आपके चाकू से काटी जा सकती है। एक और इसमें आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी धातु या ऐसी धातु, एकमात्र ऐसी धातु जो आपका सामान्य जो टेम्परेचर होता है ना, कमरे का तापमान जिसमें आप रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं, उस पर भी द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो आपके पारा है। पारा, इसे इंग्लिश में आप मरकरी कह सकते हैं, मरकरी, या फिर इसे आप HG से दर्शाते हैं, HG, ये आपके सामान्य ताप पर, मैं लिख देता हूं, आपके सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। यानी कि वैसे तो धातु कठोर होती है, आपको पता है, धातु किसे कहते हैं,
तो आप कहेंगे विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यता इस प्रकार के गुण होते हैं, उन्हें धातुएं कहते हैं। लेकिन ये दो धातुएं अपवाद मान लीजिए, एक तो सोडियम जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, ऐसी क्या धातु है, कठोरता ही नहीं बिल्कुल ही, और दूसरी एकमात्र ऐसी धातु जिसे आप हाथ में लेंगे ना या फिर कहीं भी रख देंगे वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी है। और सारी धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसका प्रतीक पूछा जाता है नॉर्मली Hg, इसका प्रतीक होता है मरकरी का, पारे का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ही, निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। अब देखिए अम्ल आप जरूर याद कर लीजिए, कौन सा अम्ल क्या है। पहले तो आपको दे रखा है फॉर्मिक अम्ल, और एक इसका नाम और है फॉर्मिक अम्ल का, क्या नाम है, आप कहेंगी मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल इस प्रकार से इसका नाम है। ये भी लाल चींटियों का है, और ये नाम ही है, ये देखिए मैं एक बार थोड़ा सा सही से कर दूं, डिजाइन पीडीएफ अच्छी बन जाए। मेथेनोइक अम्ल है ये, आपकी लाल चींटी के डंक में होता है, या फिर आप कह सकते हैं नेटल का डंक, चींटी नेटल, तो ये चींटियों के डंक में या लाल चींटी के डंक में होता है, नेटल के डंक में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है आपकी, याद कर लेना है, नींबू और में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको अलग लिखवा देता हूँ। जैसे कि क्या क्या पहला आपसे पूछा जा सकता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो मैं नंबर वन लगा के लिखता हूँ नींबू में अम्ल, सिट्रिक एसिड होता है, आपको पता होगा कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, तो मैं यहां लिख देता हूं, याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जनरल साइंस में आ सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है दही में कौन सा अम्ल होता है, दही दूध यदि कोई भी पूछे तो उसमें आपके एक ही अम्ल होता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है, दही दूध में होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है टमाटर में, तो टमाटर वाला यही आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो यही लिख देता हूं मैं, आपके होगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इमली में, तो इमली में आपको ध्यान रखना है, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, कमेंट की भी संख्या बढ़ाइए, लाइक शेयर भी आपको करना है, क्लासेज रेगुलर होती रहती है नॉन टेक की ITI बेस पर। तो आपकी इमली में पूछा है ना, तो इमली में आपको ध्यान रखना है टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। और चौथा नंबर आप एक और नोट कर लीजिए, वो है सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ये भी आपको नोट करना है, और कमेंट करके आप जरूर बताइए, एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट अम्ल बता दिए, एक और आपको ध्यान रखना है, वो है कि सिट्रिक अम्ल संतरे में होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, चलिए सिट्रिक अम्ल संतरे में, संतरे में कौन सा होता है आपको ध्यान रखना है, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड होता है, ये आपके संतरे में होता है। सारी इंपोर्टेंट अम्ल भी मैंने क्लास में करवा दिए हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अम्ल एसिड से आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर है मेथ का क्वेश्चन है, आ सकता है। 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आने पर एक ही फॉर्मूला मैंने आपको रटवा रखा है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है PTR बटे 100। PTR का मतलब क्या है सर, आपका प्रिंसिपल टाइम और रेशियो, या फिर रेट जिसे आप कहते हैं, दर वो आपकी लिखनी है। देखिए आपकी अब सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, 1600 रुपए की राशि दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको 6 वर्ष का, और 5% की दर से दे रखा है, और बट्टे में आपको करना है 100। ये देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, हो गया ना आपके कट। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे इसकी गुणा करते हैं 30 आएगा, और 16 से जब गुणा करेंगे तो आपके आएगा कैलकुलेशन करने पर 480 रुपये आपके सिंपल इंटरेस्ट बनेंगे। आई होप आप कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ध्यान रखना है, आगे जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं, तो इसका आंसर है आपके चेतन भगत, इसके आंसर होंगे यानी कि पुस्तक के लेखक है। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछी जा सकती है, अरुंधति रॉय की, वो अभी ज्यादा चर्चा में रही है,
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कौन सी है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या मतलब बना? छोटी वस्तुओं के भगवान, यानी कि अभी अभी एक एग्जाम में भी आया था, छोटी वस्तुओं के भगवान किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान रखना है अरुंधति रॉय की। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ध्यान रख लीजिए दो क्वेश्चन एक साथ। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़ जाते हैं तो करंट, अब देखिए सीरीज में टोटल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है? R1 + R2, और इस प्रकार से डैश 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 जितने भी प्रतिरोध है उनका जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? तो वोल्टेज भी आपको पता है, टोटल वोल्टेज बराबर V1 + V2 + V, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन धारा होती है सीरीज में, वो आपकी एक ही रहती है या समान रहती है। सीरीज में करंट का मान एक ही समान रहता है, यानी कि एक ही धारा सारे परिपथों में से बहती है, तो धारा का मान एक ही रहता है। आगे देखिए, यदि आपसे वोल्टेज पूछ लेते तो वोल्टेज आपके अलग अलग होते हैं, समांतर में वोल्टेज का मान समान रहता है। ये आई थिंक आपने थ्योरी पढ़ी है तो वहां से आप कर लेंगे, लेकिन जनरल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्न में से 15,376 का वर्गमूल, तो आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन, 15,000 आप 376 को जब करेंगे तो आपके 124 ही आ रहा है। कैलकुलेशन करके आप जरूर बताइए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 124 × 124 करके देख लीजिए कि कौन सा आता है। वैसे आई होप आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथ का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप कीजिए, वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप रफ कॉपी में करके देख लीजिए। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? अब देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान विभाजन अधिनियम, भारतीय विभाजन अधिनियम, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये वाला आपके राइट आंसर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट है, आपको ध्यान रख लेना है, इससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने। आगे है, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो। अब देखिए मान लीजिए आपको दो संख्या दे रखी है, दो अंकों की संख्या 36, तो आपको क्या करना है, 3 × 6 करना है, तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 36 = 18, और फिर आपको इनका क्या करना है, 3 गुना करना है, तो 18 का आप 3 गुना करेंगे, 18 × 3 = 54, यानी कि वो संख्या इस प्रकार से होनी चाहिए। तो समझ गए ना, ऑप्शन से कर लीजिए, आई होप आप कर पाएंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर दे रखा है 24, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। आप 2 × 2 और 4 को गुणा कीजिए, अंकों को गुणा कीजिए, आप कहेंगे 8, 8 को फिर 3 से गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे 24, और 24 आपको दे रखा है, यानी कि वह संख्या अपने दोनों अंकों का गुणनफल का 3 गुना है, तो वो 24 इसका आंसर राइट दे रखा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तपस अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये आपको पता होगा। केक बांटी गई, तपस को केक का 1/2 हिस्सा मिला, यानी कि तपस को आधी केक मिल गई, यानी कि 50% केक किसको मिल गई? तो आप कहेंगे 50% केक तपस को मिल गई। ऋषि को 1/3 भाग मिला, शेष भाग अवि को प्राप्त हुआ, अवि का भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए कर लेंगे, सिंपल सी बात है, किस प्रकार से करना है। मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, 1/2 तपस को मिला, 1/3 आपकी ऋषि को मिला, और x भाग मिला है किसको? तो आप कहेंगे अवि को, और टोटल भाग कितना था? तो आप कहेंगे 1। अब इनका आप कर दीजिए योग, तो योग करेंगे तो कहेंगे आप लघुतम लेते हैं, आप कहेंगे 6 आया, और इधर आ गया आपके 3, है ना, और इधर आपके आ गया 2 + x = 1, ये कैलकुलेशन चलती जाएगी आपके, तो आप कहेंगे 5/6 + x = 1। अब आप कहेंगे x के साथ कर लेते हैं लघुतम, है ना, पहले x के साथ नहीं किया था, अब x के साथ करेंगे। वैसे आप एक साथ भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग करके आपको बताया है, 6, तो आप कहेंगे 5 + 6x = 1। तो अब आप कह सकते हैं इस प्रकार से गुणा करेंगे, तो मैं एक लाइन को कट करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, इस प्रकार से मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ आपके 5 + 6x = आप कहेंगे 6। अब आप 5 को माइनस कर लीजिए, 6x = कहेंगे आप 1, तो x = आप कहेंगे 1/6,
समझ आ गया ना किस प्रकार से करना है, ये आपके गुणा में था, इधर भाग में आ गया, तो x बराबर 1/6, यानी कि उसको जो भाग मिलना है वो 1/6 भाग मिलना है, और ऑप्शन में भी यही आंसर दे रखा है। अब तीनों को आप जोड़ेंगे, 1/2, 1/3 और 1/6 को, तो आपके जुड़ने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगी पूरी टोटल एक केक बन जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, और आगे क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, गणितीय सूत्र लगा के पता करने कि कौन सा आपके भाग सही है। आप देखिए, आप कह सकते हैं कि ये तो आपके कतई बराबर होंगे नहीं, बराबर होने के लिए दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो आपके बराबर होगा नहीं, आपको काटा पीटी करके देखना है, और पहला ही ऑप्शन इसका सही दे रखा है, 29/6 बड़ा है 43/12 से, तो आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन, भाग देना है आपको 29 का 6 में कितने पॉइंट आता है, और उसी प्रकार से 43 को 12 में देकर देख लीजिए, जो बड़ा है वो आपको करना है। आगे है आपकी, ऑक्टेवियस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या है, तो पहले तो आपको देना है कब ये सिद्धांत दिया गया, तो सन आपको लिख लेना है 1866 में ये दिया गया, और किसने दिया, तो नोम आपको लिखना है, जॉन न्यूलैंड उसका नाम था, तो न्यूलैंड ये आपको लिखना है, जॉन न्यूलैंड ने दिया 1866 में। उसके बाद देखिए इसने किस आधार पर तत्वों को सेट किया, तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, तो द्रव्यमान के आधार से इसने सेट किया, द्रव्यमान इसका आधार था सेट करने का परमाणुओं का, और फिर पहला इसका कौन था, तो आप कह सकते हैं पहला सभी का हाइड्रोजन ही था, तो वो आपको छोटे द्रव्यमान से लिखना था, इसने हाइड्रोजन से लिखा। फिर लास्ट में इसमें जो लास्ट वाला था ये तो था इसका फर्स्ट, और लास्ट वाला इसके परमाणु था वो था थोरियम, थोरियम, और थोरियम कौन सा था, नंबर आपको लिखना है, तो ये 56वां था, और 56वां ही इसके लास्ट था, यानी कि 56 इसने सेट किए थे। प्रत्येक आठवें तत्व के बाद इसने सारे गामा वाला रूल फॉलो किया था, आई होप पता होगा आपको। तो ये इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। लास्ट में पूछा है अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था, और यदि थोरियम का नंबर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 56वां आपके परमाणु था, 56वां तत्व आप कह सकते हैं वो थोरियम था, जिस पर इसने सिद्धांत को समाप्त कर दिया। आगे क्वेश्चन है आपके कि 1 KWH, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है KWH को कैसे लिखा जाता है, K छोटा W बड़ा और H छोटा, इस प्रकार से लिखते हैं। कहा है 1 KWH कितने के बराबर होता है, तो आप देखिए जूल में दे रखा है 1 KWH यानी कि 1 किलो, तो पूरी आपको कैलकुलेशन लिखनी है, जैसे कि 1 किलो को आप कह सकते हैं 1000, और अवर को आपको सेकंड में चेंज करना है, तो पहले मिनट में किया फिर आपके सेकंड में कर दिया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 3 × 3 आप कहेंगे 36, इंटू 0 कितने हो गए, तो 0 आप कहेंगे 5 0 हो गए ना, यानी कि 0 गिन लीजिए कितने हो गए, तो आप कहेंगे 5 0 यानी कि 10 की पावर 5, ये आपके हो गई। उसके बाद देखिए इन्होंने ऑप्शन में 36 का ऑप्शन नहीं दिया, 3.6 का दिया है, तो आप 3.6 कीजिए, जैसे यहाँ एक पॉइंट लगा तो आपकी एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 10 की पावर आपकी हो जाएगी 6, तो ये आपकी जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन आपके राइट है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, KWH को जूल में कन्वर्ट किया। और एक तरीका बताऊं, इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिए, हर एग्जाम में आता रहता है, तो 1 KWH पूछे, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन सही करने हैं, ताकि आपका नंबर एक और कन्फर्म हो जाए। कूलाम किसकी होती है, तो आप कहेंगे विद्युत आवेश की होती है कूलाम। चार्ज की इकाई कौन सी होती है, आप कहेंगे कूलाम। न्यूटन किसकी होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बल, यानी कि फोर्स की आपकी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे बल की होती है आपके न्यूटन। और ओम किसकी होती है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध की या फिर रेजिस्टेंस की होती है, वो आपकी प्रतिरोध की होती है, आपको पता होगा ओम, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम। एक पूछा जाता है विद्युत धारा की, तो एम्पियर होती है, ये भी आप जरूर याद कर लीजिए। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में इतने ही थे, जनरल साइंस ज्यादा थी, मैथ्स कम थी, और जनरल अवेयरनेस के भी एक दो लेखक और पुस्तक के क्वेश्चन थे, आप जरूर पढ़िए। NPCIL की प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, मैथ की क्वेश्चन है, आप उनको देखिए, तैयारी शुरू कर दीजिए।
बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर जरूर करें, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, रेगुलर क्लासेज आपके लिए होती रहती हैं।